नमस्कार दोस्तों गुड हेल्थ इज अ रियल वेल्थ एक अच्छी हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है बट दोस्तों आज के टाइम पे गॉड फॉर्बिट कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो इस गुड हेल्थ को मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सारी मेडिकल एंड हेल्थ इमरजेंसी का प्रॉपर कवरेज रखें जिसको हम हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं सो दैट आपको मेडिकल बिल्स की टेंशन ना हो इसकी जगह आप सिर्फ अपने और अपने परिवार की अच्छी हेल्थ के बारे में सोचें सो so, दोस्तों आज आज की वीडियो में मैं आपसे एट बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिसके साथ आप अपने लिए सबसे अच्छी और सुटेबल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज कर सकते हैं सो so, दोस्तों इस वीडियो में एंड तक बने रहे Now, सबसे पहले हम ये समझें कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस आपके सारे हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस की टेक केयर कर लेता है। सो गॉड करके कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपके जो हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं उसका पूरा टेक केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करती है कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपको मेटर्निटी एक्सपेंसिस भी देती है अपनी पॉलिसीज में अंडर सेक्शन एटीडी पच्चीस हजार तक का बेनिफिट भी ले सकते हैं साथ में ही हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज हैं वो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स को भी अलाउ करती हैं कई लोग ये नहीं जानते हैं कि उनकी पॉलिसी जो है हेल्थ इंश्योरेंस की वो रेगुलर हेल्थ चेकअप के एक्सपेंसेस की भी टेक केयर करती हैं सो so वो ये चेकअप्स कराते हैं और अपनी पॉकेट से एक्सपेंस uh, करते हैं इनसेट उनको ये एक्सपेंस का रीएम्बर्समेंट अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहिए दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस इस तरह से आपकी हेल्थ को मेंटेन करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है आइए अब हम उन एट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं जिसके साथ आप सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट ऑलवेज प्रिफर अ फैमिली फ्लोटर प्लान अगर आपका परिवार है तो आपको अपने पूरे परिवार का एक कंप्लीट फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहिए और अगर आप इंडिविजुअल हैं तब आपको एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए बट हमेशा ध्यान रखें अगर आपका परिवार है तो हमेशा फैमिली फ्लोटर प्लान ही लें पॉइंट नंबर टू इफ पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन देन टेक अ सेपरेट पॉलिसी फॉर देम सीनियर सिटीजन पॉलिसीज के बहुत इंक्लूजन और एक्सक्लूजन होते हैं और ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है अगर आप अपनी फैमिली फ्लोटर में अपने पेरेंट्स को मिक्स करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा इसलिए हमेशा याद रखें कि अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, अपने फैमिली फ्लोटर में उनको इंक्लूड ना करें पॉइंट नंबर थ्री टेक एटलीस्ट फाइव और टेन लाख का बेसिक सम इंश्योर पॉलिसी देन टेक सुपर टॉप अप ओवर इट देखिए मैंने बहुत सारे ऐसे आ, ऐसे लोग देखे हैं जो दो लाख तीन लाख का हेल्थ इंश्योरेंस रखते हैं बट दोस्तों आज के टाइम पे मेडिकल कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये दो तीन लाख का कवर जो है वो बहुत ही बहुत ही कम है सो एटलीस्ट पांच से दस लाख तक का अपने फैमिली फ्लोटर का कवर रखें और इसको भी धीरे धीरे बढ़ाएं उसके लिए जरूरी है कि आप इसके ऊपर सुपर टॉप अप लें वो आपको सस्ता पड़ेगा दैट मीन्स आपकी बेसिक पॉलिसी तो एज इट इज रहेगी गॉड फॉर्बिट कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो पहले बेसिक पॉलिसी यूज होगी और आगे के अगर एक्सपेंसेस होते हैं तो वो सुपर से यूज किए जाएंगे तो एक पांच से दस लाख का एक बेसिक पॉलिसी लें और उसके आगे आप और अमाउंट ऐड कर सकते हैं थ्रू अ सुपर टॉपअप पॉलिसी जो आपको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा पॉइंट नंबर फोर दोस्तों ऑलवेज चेक

किसी यू नो अपने अपने क्लेम को यूज नहीं किया है तो अगले साल आपका कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा मान लीजिए जा आपका दस लाख का कवर है तो वो दस की जगह बारह लाख हो जाएगा पंद्रह लाख हो जाएगा किस किस uh, मल्टी किस मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग वो काम करेगा इस इन फीचर्स को जरूर से चेक करें साथ में ही अपने पॉलिसी के इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन देखें अपनी यू नो हेल्थ हिस्ट्री को देखें आपकी अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उसको देख के ये समझें कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है जो प्रॉपर आपके लिए ये आपके केस में सबसे ज्यादा सुटेबल होगी कौन कौन सी डिजीज कवर कर रहे हैं और आपकी कौन कौन सी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज उसमें जल्दी से जल्दी कवर हो सकती है इन सब चीजों को ध्यान से देखें पॉइंट नंबर फाइव हमेशा नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट को चेक करें सो दैट अगर आपको ये जरूरत पड़ती है या कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आपका सारा पेमेंट कैशलेस हो पाए साथ के साथ ये भी देखें कि अगर आपका चॉइस कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल है या कोई डॉक्टर्स हैं जो किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल हॉस्पिटल में बैठते हैं तो वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल हो सकता है आपके पास हो या आपके आपके बहुत ही यू नो क्लोज डॉक्टर्स उसमें उसमें काम करते हो तो वो हॉस्पिटल उस नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट में है या नहीं है तो ये सब चीजें हमेशा चेक करें पॉइंट नंबर सिक्स हमेशा यू uh, नो uh, you know, अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चेक करें अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के फायदे नुकसान को कंपेयर कर सकते हो जिसमें आप क्लेम सेटलमेंट रेशो को कंपेयर करोगे कि किसका ज्यादा बेहतर है आप लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी को देखो कि कौन सी पॉलिसी आपको ये परमिशन देती है कि आप चाहें तो उसको लाइफ टाइम रिन्यू कर सकते हैं हर साल उसको रिन्यू कर सकते हैं जब तक आप करना चाहें कौन सी पॉलिसी आपको डिस्काउंट देती है कि आप एक की जगह दो साल का एक साथ प्रीमियम देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ आपके एम्बुलेंस चार्जेस कैश पेमेंट जो आपके रूम रेंट होता है उन सब की लिमिट्स और सब लिमिट्स कितनी है इन सब पैरामीटर्स पे ऑनलाइन सिस्टम पे जाके या अलग अलग वेबसाइट जो अभी आज के टाइम पे अवेलेबल है उनमें जाके आप अलग अलग यू नो पॉलिसीज को कंपेयर करें सो देट आप बेस्ट पॉलिसी तक पहुंच पाए पॉइंट नंबर सेवन डोंट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन योर एम्प्लॉयर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस से फॉर एक्साम्पल आप नौकरी करते हैं आपके आपको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस यू नो नोच इज ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस दी गई है बायो एम्प्लॉयर तो उस पर डिपेंडेंट कभी ना रहे बिकॉज वो पॉलिसी तभी तक है जब तक आप वो नौकरी कर रहे हैं हमेशा उसको बफर की तरह से लें और अपनी एक सेपरेट फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लें बट दोस्तों याद रखें जब भी गॉड फॉबिट जरूरत पड़े तो हमेशा पहले कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसी को यूज करें अपनी पॉलिसी जो आपने अलग से पॉलिसी ली है अपनी फैमिली फ्लोटर उसको बाद में यूज करें बिकॉज गॉड फॉबिट अगर आपको जरूरत पड़ी है आप कॉर्पोरेट इंश्योरेंस यूज करते हैं तो आपकी जो स्टैंड लोन पॉलिसी है जो आपने अलग से ली है उसमें आपको उस साल नो क्लेम बोनस का फायदा मिल सकता है इसलिए कॉर्पोरेट पॉलिसी पर डिपेंडेंट ना रहे बट अगर आपको अगर आपके पास वो है थ्रू योर एम्प्लॉयर और गॉड फॉबिट अगर आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो पहले कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसी को यूज करें पॉइंट नंबर एट जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को बहुत ही ऑनेस्टली शेयर करें उसको सारी चीजों को यू नो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते वक्त बताएं चाहे आपकी कोई पास्ट हेल्थ हिस्ट्री हो कोई प्रॉब्लम हो कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो कोई भी चीज ना छुपाएं ये बहुत जरूरी है बिकॉज अगर आपको तो कल को इस इस कवर को यूज करने की जरूरत पड़ती है तो वो रिजेक्शन में ना आए इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सारी चीजों को डिस्क्लोज करें अपनी हेल्थ की सारे हिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्लोज करें सो दोस्तों इस तरह से इन एट पॉइंट्स के साथ आप बहुत ही अच्छी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को चूज कर सकते हैं बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस इज एन इन्वेस्टमेंट दैट कीप्स योर सेविंग इंटैक्ट इन केस ऑफ हेल्थ इमरजेंसीज़ दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि हम उसका प्रॉपर कवर नहीं रखते हैं और कोई हेल्थ इमरजेंसी हमारे परिवार में होती है